उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के लिए खेलकूद मैदान का हो रहा था निर्माण। कार्य चोरों के द्वारा पिलर से काट ली सरिया। जी हाँ, आपको बताते चले, पूरा मामला है विकास खंड लखीमपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मेदिनिया गढ़ी का, जहाँ सरकारी विद्यालय में प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा बच्चों के लिए खेलकूद के लिए बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जहाँ कुछ लड़कों के द्वारा पिलर को तोड़कर सरिया काटकर चोर मौके से फरार हो गए। प्रधान प्रतिनिधि ने चोरों की जानकारी की, जिसमें गांव के ही कुछ नाबालिग लड़कों के द्वारा सरिया काटकर कबाड़ी को बेच दी गई, जिसकी जानकारी प्रधान प्रतिनिधि को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पूरे मामले को लेकर पुलिस को अवगत कराया गया, मगर पुलिस प्रशासन की इस तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अब देखना यह है कि पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। संवाददाता माशूक अली की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज जायसवाल है। कहाँ रहते हैं? हम मेदिनिया गढ़ी में। क्या हैं आप? हमारी पत्नी अनुश्री जायसवाल यहाँ की ग्राम प्रधान है। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं? हाँ, प्रधान प्रतिनिधि हैं। आप बता रहे हैं कि हमारे वहाँ खेल मैदान बनाया जा रहा है स्कूल के पड़ोस में, जो कि उसमें सरिया काट ली गई, चोरों के द्वारा काटी गई हैं। तो क्या रहा उसमें? उसमें मुझे जानकारी ये मिली है कि कुछ बच्चों का ये काम है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक दुकान जो कबाड़ की हमारी पंचायत में खुली हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो पहले तो वो रजिस्ट्रेशन करवा लें और जो सरकार का वो नुकसान कर रहे हैं उसको पूर्ण करें, उसका टैक्स दें। और दूसरी बात यह है कि जैसे बच्चे यहाँ पर जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या रहते हैं, वो घर का कबाड़ ले आते हैं या सरिया, उनकी लत ख़राब हो रही है और वो कबाड़ ला के और उनको 50 रुपये दे दिया, 10 रुपये दे दिया, तो बिगड़ते जा रहे हैं। तो अब 10-20 बच्चों ने ये काम चालू कर दिया है, अपने घर का सामान ला के बेचना, यहाँ का ला के बेचना। मेरे पास में 4-5 सबूत हैं जिनके घर के सामान चोरी हुए हैं, सरिया चोरी हुई हैं। और आज जो है हमारी सरकारी संपत्ति खेल मैदान जो बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, उसकी भी 14 पिलरों की सरिया काट ली गई है। मेरा सरकार से और कोतवाल साहब से और चौकी इंचार्ज साहब से निवेदन है कि कम से कम बच्चे, चलिए नाबालिग हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको उनके घर जाकर उनको समझाएं, और जो कबाड़ी है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जब तक उनका रजिस्ट्रेशन ना हो जाए तब तक वो ये दुकान ना खोलें। जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन करा लें दुकान खोलें, और उनको हिदायत दी जाए कि वो आगे से कोई चोरी का सामान ना लें। और दूसरी बात है, सरकारी बिल्डिंग है, उस पर नुकसान हुआ है, और कबाड़ी से बात करके मुन्ना है, उनसे बात करी जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे वो, बस हम यही चाहते हैं बाकी। अच्छा, चौकी इंचार्ज ने बच्चों को पकड़ा था? हमने उनको, जब चौकी इंचार्ज साहब यहाँ पर आए थे तोमर जी, उनको मैंने पूरी स्थिति दिखाई, और दिखाने के बाद में उनको मैंने एप्लीकेशन दिया। वो भी बड़े चिंतित थे और उन्होंने हमको बड़ा आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ में हैं और आपका मतलब पूरा सहयोग रहेगा। उसके शाम को ही जो है एक बच्चे के द्वारा पूरी हकीकत मालूम हो गई कि किसने किसने चोरी किया और किसने कहाँ बिका, तो वो सारी जानकारी हमें मिली। और शाम को हमने फिर सारी सरिया बरामद हो गई और उनका नाम नोट कर लिया, सब हो गया। उसके बाद हमें नहीं मालूम कि क्या दरोगा जी ने क्या कार्रवाई करी, बस वही जानकारी चाह रहे थे। अगर दरोगा जी ने कोई कार्रवाई करी थी, वहाँ करी या कहीं भी करी, तो हम लोग को बुलाना चाहिए, गाँव वालों को बुलाना चाहिए, हम लोग के सामने करना चाहिए, बस बस यही बात है और कोई बात नहीं है।